चक्रधरपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर को जिला घोषित करने की मांग की है। सुखराम उरांव कहते हैं कि अभी 150 किलोमीटर की दूरी तय करके लोगों को चायबासा जाना पड़ता है, लिहाजा उन्होंने सीएम से चक्रधरपुर को जिला बनाने की मांग की है। सुखराम उरांव से बात की हमारे संवाददाता अजय लाल ने। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र काफी संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यदि आप देखेंगे तो चक्रधरपुर कई समस्याओं से जूझ रहा है। बिजली की समस्या है, कई जगहों पर बस स्टैंड नहीं है, ऊंची बिता जगह है वहां पे सड़क नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ चक्रधरपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक सुखराम उरांव जी हैं। सर, सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो चक्रधरपुर कहा जाता है कि समस्या का दूसरा नाम है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय विधायक हैं आप, चक्रधरपुर छोटा शहर है लेकिन केंद्र बिंदु है, राजनीतिक केंद्र बिंदु अगर कहीं है तो चक्रधरपुर है। और ये मानते हैं कि तब से लेकर आज तक कभी भी हमको नहीं लगता है कि किसी ने चक्रधरपुर बहुत अंदर से लोग जानने का प्रयास किया है। हम ये भी मानते हैं कि चक्रधरपुर जो है पूरी तरह से हमको लगता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जो है थोड़ा सा विकास काम में बाधित होता है। हम माननीय विधायक लोग भी बहुत खुल के बहुत जगह हम लोग जा नहीं पाते हैं। जाने से पहले हम लोग को सूचना मिल जाता कि नए वहां पार्टी के लोग पहुंच चुके हैं, तो जिसके कारण विकास काम में भी बाधित होता है। जब विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे थे इसी बार 2019 में तो ब्रिज की मांग हो रही थी, मुझे लगता कि वो ब्रिज अब बनकर तैयार हो गया है लेकिन बस स्टैंड की एक कमी वहां पे दिखाई पड़ रही है। और हम बार बार इस बात को बोलेंगे, चक्रधरपुर छोटा सा जगह है, अब बस पड़ा कम से कम 2 एकड़ जमीन चाहिए, कम से कम 2 एकड़ जमीन चाहिए। और नगर पालिका अंदर में जमीन है ही नहीं है, नगर पालिका अंदर में छोटा सा शहर है, नगर पालिका जमीन है ही नहीं, तो इसके लेके बस पड़ाव का स्थिति तो बना हुआ है। लोग रोड में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, इसके लेके ब्रिज के ऊपर खड़ा कर देते हैं। सुखराम उरांव जी को चक्रधरपुर के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ मांगना हो तो वो एक चीज क्या होगा? चक्रधरपुर को पोड़ाहाट को जिला बना दिया जाए, क्योंकि पोड़ाहाट एक ऐसा अनुमंडल है कि पूरी तरह से नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हमको लगता है, क्योंकि देखिए हमारा तो जिला चौबसा है, चौबसा मुख्यालय है और 100 किलोमीटर दूर से हमको कोर्ट जाना पड़ता है। किसी भी चीज का काम होता है तो हमको चौबसा ही जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, जो कि अगर हम निकलते हैं कोर्ट का काम तो एक दिन पहले निकलना होगा। अगर 2 तारीख को मेरे कोर्ट में काम है तो हमको 1 तारीख को निकलना होगा, 3 तारीख को हम पहुंचेंगे, जिसके पास साधन नहीं है। और जिसके पास साधन है उसको हमको लगता है कि दिन भर में हमको लगता है देर सवेर 10-12 बजे रात को घर पहुंच सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मांग पुरानी है, विधायक सुखराम उरांव ने जो कहा है कि 2024 के पहले चक्रधरपुर को वो जिला बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुखराम उरांव ने जिस डिमांड को सरकार के सामने रखा है सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। क्रमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।